नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम को रुद्रप्रयाग के खांकरा, फतेहपुर, गैरसारी, कोटली सहित विभिन्न हिस्सों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में मलबा घुसा है, खेत खलिहान तबाह हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग के खांकरा, फतेहपुर, गैरसारी, कोटली सहित विभिन्न हिस्सों में बादल फटने से भारी नुकसान। बछड़ सिंह पट्टी के खांकरा, फतेहपुर में भी बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। बता दें आपको, खांकरा कांडई मोटर मार्ग बाधित हो चुका है और नरकोटा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है। एक बार फिर आपको जानकारी दे दें, खांकरा कांडई मोटर मार्ग बाधित हो चुका है, नरकोटा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। प्रशासन की टीमें लगातार घटनास्थल पर मौका मुआयना कर रही हैं। वहीं एक ढाबा के मलबे में दबे होने की भी सूचना मिल रही है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां खांकरा, फतेहपुर, गैरसारी, कोटली सहित विभिन्न हिस्सों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है, खेत खलिहान तबाह हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज क्योंकि देर शाम आजकल इन दिनों डेली बारिश हो रही है और आज भी इसी तरह की बारिश, मूसलाधार बारिश हुई और भारी बारिश हुई है। और कई क्षेत्रों में रुद्रप्रयाग जनपद के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो हाईटेक जुड़े हुए क्षेत्र है, उनमें काफी बादल फटने की घटनाएं सामने आई है और भारी तबाही कई गांव में हुई है। जैसे हम रुद्रप्रयाग जो जनपद में गाँव नरकोटा की बात करें, तो नरकोटा गांव से 200 मीटर ऊपर से बादल फटा और भारी बारिश के साथ वो अवसाद ले आया और पूरे गांव में तबाही मच गई। करीबन 5 से 6 मकानों और गौशालाओं में ये भारी पानी घुस गया, वहां पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे और जो उनकी मवेशियां थी उन्होंने उनको भी सुरक्षित स्थानों पर ले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी काफी नुकसान गांव में झेलने को मिला है। जो विद्युत लाइनें हैं, पेयजल लाइनें हैं और दूर संचार की लाइनें हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बिल्कुल कुलदीप, और वहीं अगर देखा जाए तो कई गौशालाएं पानी से भर चुकी हैं, खेत खलिहान तबाह हो चुके हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि रात का समय है और प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद है, किस तरीके से ग्रामीणों को मदद वहां पे दी जा रही है? देखिए, क्योंकि अभी प्राथमिक रूप से, क्योंकि रुद्रप्रयाग जनपद के कई क्षेत्रों में, नरकोटा की बात करें, खाकरा क्षेत्र में आई, जो भरदार क्षेत्र का कोटली क्षेत्र है, कोटली गांव में भी बादल फटने की घटना आई है। तो अभी जो प्रशासन की टीमें हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है, कई स्थानों पर मौके पर पहुंच चुकी है और उनकी प्राथमिकता अभी यही है कि जो राहत और बचाव के कार्य है पहले उनको किया जाए, क्योंकि मुआवजे का जो अनुमान है वो बाद में लगाया जाएगा। लेकिन अभी प्राथमिकता टीमों की यही है कि कोई अगर किसी तरीके की जनहानि हुई है तो उनको सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके और उनको प्राथमिकता के तौर पर अस्पतालों तक पहुंचा जा सके। लेकिन अभी तक हताहत होने की किसी भी तरह से खबर नहीं आई है। हालांकि केवल गांवों में जो घरों में पानी नुकसान हुआ है वही केवल खबर आ रही है। तो ऐसे में ग्रामीणों की प्राथमिकता और प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि उनको सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि अब रात का समय हो रहा है तो रात कहाँ वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि घरों में मलबा और पानी घुस गया है बड़े पैमाने पर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब उनको सुरक्षित स्थान मुहैया करवाएगा, यही प्राथमिकता रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें, आज शाम के समय भारी बारिश के बाद अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं ने कई घरों, गौशाला, पैदल रास्तों, विद्युत लाइनों, पेयजल लाइनों को भारी क्षति पहुंचाई है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जगहों पर मोटर मार्ग भी बाधित हो गया है और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद है। रात का समय है, ऐसे में कैसे गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, इसके लिए लगातार प्रशासन की टीमें वहां पर निरीक्षण कर रही हैं, गांव वालों को मदद दे रही हैं।